अजीब है, ये बड़ा बॉक्स इधर क्यों आया है? मैंने तो ऑर्डर नहीं किया था। लड़कियों क्या तुमने? मैंने कुछ नहीं ऑर्डर किया है, मैंने भी नहीं, शायद समांथा ने। मैंने बिल्कुल नहीं। अच्छा तो किसी ने ऑर्डर नहीं किया, पर ये हमारे पास आया है तो ये हमारा तोहफा होगा। वाह, ये तो एक चॉकलेट फाउंटेन है। चॉकलेट? तो हाँ, ये मेरा ऑर्डर है, ये मुझे दे दो। क्या, झूठ मत करो, ये मैंने मंगवाया है। अच्छा कुछ भी, ये फाउंटेन मेरा है, दूर हो जाओ। अरे चुप हो जाओ, रुक जाओ और एक सेकंड चिल्लाना बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी लड़ाई का हल क्या है। एक चुनौती मदद कर सकती है फैसला करने के लिए कि यह पुरस्कार कौन जीतेगा। वाह, यह अच्छा आइडिया है। इस ड्राइंग चुनौती में तुम्हारा स्वागत है। ये चॉकलेट फाउंटेन उसे जाएगा जो इसकी सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा। ठीक है, तो अब समय है शुरू करने का, पर यह याद रखना कि तुम्हें हाथों के बिना ड्राइंग करनी होगी। यह एक नियम है। अगर सब समझ आ गया हो तो तुम्हारा समय शुरू होता है अब। मुझे तो पूरा यकीन है कि जीत मेरी ही होगी, मैं इन बेवकूफ के साथ क्यों खेलूं? अच्छा ये तुम कह रही हो। कुछ मुझे बता रहा है कि ये चॉकलेट फाउंटेन मेरा ही होगा, क्योंकि मैं इतनी अच्छी ड्राइंग करती हूँ। क्या, नहीं वो मेरा होगा। No. पर हाँ, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मैंने अब तक जो बनाया है, शायद मुझे किसी और तरीके से करना चाहिए। हाँ, स्केच पेन से बनाना ज्यादा आसान होगा। अरे हाँ, स्केच पेन, मैं भी इसे बनाती हूँ। तुम तो वो खोल भी नहीं पाई। यह कोई हंसने वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करूँ? उन दोनों की कितनी सुंदर ड्राइंग है। कोई बात नहीं, अगर मैं खुद अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकती तो मैं दूसरों के मास्टरपीस बर्बाद कर सकती हूँ, और इसमें यह पंख मेरी मदद करेगी। ये तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। बुरा हुआ। तुम हंस क्यों रही हो? मैं तुम्हारा भी बर्बाद कर सकती हूँ। पहले तुम्हारा चेहरा और अब तुम्हारी ड्राइंग, अब फिर हंस कर दिखाओ मेरे ऊपर। अरे नहीं, बस मत करो। चेल्सी, तुम इतनी खुश क्यों हो? मैं तुम्हारी ड्राइंग भी बर्बाद कर सकती हूँ। नहीं दोस्तों, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अपनी तस्वीर दिखाओ। मैं चेल्सी की ड्राइंग ही बर्बाद नहीं कर पाई। देखते हैं कि तुमने क्या बनाया है। मेरी, यह क्या है? वो कोई फाउंटेन की तरह नहीं लग रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। सामंता, तुम्हारी ड्राइंग भी कुछ खास नहीं है, तुमने ठीक से क्यों नहीं बनाया? मेरा वाला कैसा लग रहा है? वैसे बाकी से तो बेहतर है, पर और अच्छा बना सकती थी। ठीक है, क्योंकि उन दोनों का और भी खराब है, इसलिए चेल्सी जीतती है। हुर्रे, सबसे ज्यादा मैंने ही मेहनत किया था, इसलिए मैं ही इसके लायक हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही चॉकलेट पी सकती हो? तुम गलत हो, हम भी पी सकते हैं, और खास इसके लिए हमारे पास विशेष स्ट्रॉ भी है। कितना स्वादिष्ट है। अरे चॉकलेट कहाँ गया? तुम हमारी दोस्त हो ना, इसलिए तुमने हमारे साथ शेयर किया। तुम चोर। क्या तुम अगले दौर के लिए तैयार हो? इस बार तुम्हारा इनाम और भी शानदार होगा, प्यारा कुत्ता। ओ कितना प्यारा है, और आज इसने बहुत खाया है, इसलिए वह इधर ही टॉयलेट भी चला गया है। और तुम्हारा पुरस्कार है यह पूप, जो भी इसे अच्छे से बनाएगा उसे यह मिल जाएगा। और तुम्हारा समय शुरू हो गया है। मुझे पूप नहीं चाहिए, कुछ भी चलता, पर यह क्यों? मुझे अपनी जिंदगी की सबसे खराब ड्राइंग बनानी होगी। मैं बहुत खराब ड्राइंग बनाऊंगी। अरे हाँ, अपने पैर से चित्र बनाने से और बुरा कुछ नहीं है। महक के लिए माफ कर देना। यह क्या, क्या ये किसी तरह का न्यूक्लियर जंग चल रहा है? ये बदबू कहाँ से आ रही है? बस मेरा पैर ही तो था। सब लोग जरूर कुछ अच्छा बनाएंगे, और मैं बस अपने कागज पर पेन से कुछ भी बना देती हूँ। इस तरह मुझे वो गंदी चीज किसी हाल में नहीं मिलेगी। अरे मेरा भूरा मार्कर गिर गया।
मुझे किसी और रंग का लेना होगा। सब कुछ मेरे हाथ से गिर रहा है, मुझे और ध्यान से करना होगा। देखती हूँ दोनों ने क्या बनाया है। तुम्हारा समय खत्म हो गया है, मुझे अपना काम दिखाओ। हो गया, ये मैं अपना ड्राइंग दिखाने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे और उम्मीद थी। वाह सामंता, तुम बहुत चालाक हो, बहुत अच्छी ड्राइंग है। मैरी, तुम सो क्यों रही हो? मैं सो नहीं रही हूँ, यह रही मेरी ड्राइंग। ओह, यह तो सच में वही है, तो पुरस्कार तुम्हें ही मिलेगी। चलो मैरी को बधाई देते हैं। पूप, ची, नियमों के हिसाब से तुम्हें यह खाना होगा। क्या, काश मैं किस्मत वाली हूँ और यह बस चॉकलेट निकले। ची, वो पूप खा रही है सच में। अरे तुम खुद ही पूप होगी, यह तो स्वादिष्ट चॉकलेट पेस्ट है। क्या तुम्हें चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। दोस्तों, क्या तुम नए दौर के लिए तैयार हो? इस बार तुम लोग इस प्यारे से बिल्ली के लिए लड़ोगे। ओ, कितना छोटा है और बहुत फ्लफी भी। अगर तुम अच्छे से ड्राइंग करोगे तो ये तुम्हारा होगा। इस बार तुम्हें क्रेयन से ड्राइंग करनी होगी और वो भी अपने चेहरे पर। समय शुरू हो चुका है। हाँ, मैं कागज पर क्यों बनाऊँ अगर मैं खुद एक प्यारी बिल्ली की तरह लग सकती हूँ। बस चेहरे पर कुछ चीजें बनानी होंगी, नाक और गाल पर। मैं भी एक किटी की तरह लग रही हूँ। बहुत बढ़िया, तुम लोग जितनी चाहो कोशिश कर सकते हो, पर सिर्फ मैं हूँ जो एक आईना लेकर आई हूँ। इसके बिना मैं पक्का ठीक से नहीं बना पाती, और वैसे भी ये नियमों के खिलाफ भी नहीं है। जीत तो पक्का मेरी होगी। चेल्सी तो कुछ बन ही नहीं रहा है। What? और मैरी, वाह! अरे आईने का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? देखो चेल्सी, क्या तुम देख रही हो क्या कर रही है? हाँ यह सही नहीं है, हमें मैरी को एक सबक सिखाना ही होगा। चलो उसका मेकअप पोज देते हैं। मैरी, क्या तुम नहाने के लिए तैयार हो? तो यह लो। नहीं, तुम ये क्यों कर रही हो? मुझे एक प्यारी सी बिल्ली अभी मिल सकती थी। हाँ बिल्कुल बिल्ली, अगर सामंता का भी अच्छा होगा तब मुझे वो बिल्ली मिलेगी ही नहीं। मुझे उसका भी मेकअप बर्बाद करना होगा। सामंता, तुम्हारा मेकअप थोड़ा फैल गया है। कहाँ, बताओ ना, मैं ठीक कर लूंगी। बेहतर होगा कि मैं मदद करूँ, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अब कमाल का लग रहा है, धन्यवाद यार। चलो दोस्तों, अब अपने चेहरे दिखाओ, देखते हैं किसने क्या बनाया है। मैरी, तुमने फिर कोशिश भी नहीं की। ये भयानक चीज मैं बिल्ली को देखने भी नहीं दे सकता। सामंता, क्या तुमने देखा भी एक बिल्ली कैसे देखती है? इसका पायरेट से क्या लेना देना? पायरेट? कौन सा पायरेट? ओह चेल्सी, मैंने तुम्हें सबक सिखा दिया, पर अब जैक मेरे मेकअप की तारीफ करेगा। हाँ, फिर से चेल्सी ही जीतती है, क्योंकि बाकियों का बहुत खराब था। हुर्रे, अब ये क्यूटी पाई मेरा है। अच्छो, लगता है मेरे बचपन की बिल्लियों की एलर्जी वापस आ गई है। अच्छो, अच्छा कोई बात नहीं, अब ये बिल्ली और अच्छे से रहेगी मेरे और मैरी के साथ। नहीं, वो मेरी है। क्या तुमने खुद को देखा भी है? पहले खुद को ठीक करो, फिर बिल्ली के बारे में सोचना, क्योंकि पिछला पुरस्कार इतना अच्छा था, शायद तुम्हें यह वाला पसंद ना आए। तुम इस मछली के लिए लड़ोगे, और इस बार तुम्हें अलग अलग सॉस के साथ ड्राइंग करनी होगी। यह मुश्किल होगा, पर तुम कर सकते हो। टाइमर स्टार्ट हो गया है। हाँ चलो, यह बहुत बढ़िया होगा। सॉस के साथ ड्राइंग करना ना केवल मजेदार बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। तुम क्या कर रही हो? अपना कचरा अपने साथ रखो। ओह सॉरी, गलती से हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉस के साथ पेंट करना मजेदार होगा। ये कितने रंगीन है, कितना मस्त लग रहा है। देखो, केचप कोई बुरा पेंट नहीं है। मुझे तो लगता है कि चीज सॉस का भी रंग बहुत अच्छा है, तो मैं इससे भी एक बढ़िया ड्राइंग बना सकती हूँ। Yes!
दिन जल्दी खत्म हो गया है, पर चलो कोई बात नहीं, सारे ही रंग बहुत ही प्यारे हैं, तो मैं किसी भी सॉस से अपनी ड्राइंग बना सकती हूँ। वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सॉस से पेंटिंग करना इतना दिलचस्प होगा। वाह, सबकी पेंटिंग कितनी अच्छी है, मुझे भी कुछ करना होगा, मुझे भी एक सुंदर ड्राइंग चाहिए। इन सॉस की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो जरूर इसका स्वाद भी अच्छा होगा। अरे वाह, क्या स्वाद है, मैं इसे पेंट क्यों करूं अगर ये खुद ही इतने अच्छे हैं। सच में मुझे तो लगता है ये सिर्फ साधारण सॉस है। हाँ, पर ये कितना अच्छा और स्वादिष्ट है। हाँ जरूर होगा, पर तब भी ड्राइंग करना बेहतर है। अरे ये बेकार डब्बे, नहीं, इससे मेरी पूरी पेंटिंग बर्बाद हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। ओ, मैंने तो सारे सॉस खा लिए, अब मेरे पास ड्राइंग करने के लिए कुछ भी नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं सामंता से चुरा सकती हूँ। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, दिखाओ किसने क्या बनाया है। हाँ दिखाओ, और अब मैं ये अच्छी ड्राइंग अपने लिए ले लेती हूँ। मैरी, आज का दिन पक्का तुम्हारा नहीं है। ड्राइंग ठीक ठाक है, पर मुझे चेल्सी का ज्यादा पसंद आया, बहुत अच्छा। सैमंथा, तुम क्या कर रही थी, क्या तुम्हें ऐसा लगा कि बैठे रहने से तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम्हें यह मछली मिलेगी। बधाई हो सामंता, तुम्हें बहुत सारी मछली मिलेगी, सब चेल्सी की वजह से हुआ है, मैं इतनी कच्ची मछली नहीं खा सकती हूँ। आइडिया, कच्ची मछली क्यों खाऊं अगर मैं इसे पका सकती हूँ। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, मैं ऐसे ही हर जगह अपना बर्नर लेकर नहीं चलती हूँ। ओह चेल्सी सॉरी, लगता है आग तुम तक भी पहुँच गई। हाँ, और ये लुक तुम्हें सूट कर रहा है। इस बर्नर की मदद से मैं इस मछली को एक स्वादिष्ट सी डिश में बदल सकती हूँ, और यह करना बहुत आसान है। हो गया, अब मैं इसके मजे लूंगी। बहुत स्वादिष्ट है। दोस्तों, इस बार मैं पहले चलती हूँ। वाह, इतना अच्छा केक। Come on! और मुझे क्या मिला है? ओह, कोरियन नूडल्स। ठीक है, ये स्वादिष्ट होगा। मैं तो भाग्यशाली हूँ, देखो मेरे पास कितना बड़ा पिज्जा है, मुँह में तो पानी आ गया। मैं पहले खाऊंगी। मैं खाना शुरू करती हूँ। रुको, तुम्हारे केक पर बेरीज है ना, और वो गोल है, तो वो मेरे हैं, मुझे दो। गोल? तो क्या तुम इधर हर एक चीज को देखती रहोगी? अच्छा ठीक है, तुम्हें बेरीज चाहिए, तो ये लो। तुम्हारे चेहरे पर क्रीम बढ़िया लग रहा है, जितना हंसना है हंस लो, पर बेरीज तो मेरे ही है। छोड़ो, मेरे पास ये स्वादिष्ट केक है, और उस पर स्वादिष्ट क्रीम भी है, और वैसे इसके अंदर बेरीज भी है, जो मैंने पूरा खा लिया, बहुत अच्छा था। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मुझे बहुत भूख भी लग रही है, और ये पिज्जा का टुकड़ा अभी एकदम सही रहेगा। वो टुकड़ा? अरे हाँ, वो तो त्रिकोण है, और सारे त्रिकोणी चीज मेरी है, तो मुझे वो पिज्जा जल्दी से दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये मेरी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, दो मुझे। अरे नहीं, ये मेरी है, तुम वो इधर दो, ये सही नहीं है। पिज्जा अभी भी मेरा है, समझी? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसका है, पर ये सब मैरी की वजह से हुआ है। ये क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरा पिज्जा गिर गया।
अब तुम देखो मैं क्या करने वाली हूँ। रुक जाओ प्लीज। बस आशा है कि स्वाद तब भी अच्छा हो। हम सब अब नूडल्स में ढक गए हैं, कोई बचाओ। यह भी फिर मैरी की वजह से हुआ। What? उसे ने यह सब किया है। What? अरे दोस्तों, यह नूडल्स ऐसे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कच्चे नूडल्स खा रही है, क्या वो ठीक है? तीन की गिनती पर, एक दो तीन। हुरे, मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे स्कीटल्स मिले हैं। मैं भी, मुझे हबा बबा मिला है। और मुझे गाजर मिला है, ये अजीब है। हाँ, पर मैं पहले चलूंगी, पहले सारे रैपर हटाने होंगे। देखो हो गया, अब मैं सारे गम अपने मुंह में पकड़ लूंगी। पर इसे ऐसे एक एक कर खाना बोरिंग है, मैं इसे ऐसे फेंक कर पकड़ूंगी। वाह, तुम तो इसमें माहिर हो यार। धन्यवाद दोस्तों, अब बबल फुलाने का समय आ गया है। हंसो मत, पहली बार में किसी से नहीं होता है। हाँ, वो बबल तो बहुत अच्छा था। मैं दिखा कर रहूंगी कि मैं ये कर सकती हूँ। उफ, तुम्हारी वजह से मेरा गम भी गिर गया। छी, अब ये बालों में ढका हुआ है, कितना गंदा। छोड़ो, मेरा हो गया। मैरी, अब तुम चलो। आखिरकार मुझे स्किटल्स खाने का बहुत मन कर रहा है। कितना अच्छा है कि मुझे यह मिला। मुझे यह कैंडी बहुत पसंद है, कितने स्वादिष्ट है। और चलो, क्यों ना मैं इसे ऐसे रखूं ताकि सब कोई देख पाए कि कितना रंगीन है। तुम यह क्या कर रही हो? तुम लोगों को मुझे देखकर जलन हो रही होगी कि मेरे पास इतने सारे अच्छे कैंडी हैं और ये बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। रुको, मत करो। अच्छा, ये गलती से हो गया, माफ करना। अरे कोई बात नहीं, अब हम भी स्किटल्स खा सकते हैं। हाँ, यह तो बहुत मजेदार था। पर क्लैरिसा, तुम्हारे पास अभी भी एक पूरा गाजर है, वो खाओ। ठीक है, खाती हूँ। अरे यह गाजर तो स्वादिष्ट है। अब मुझे समझ आया कि खरगोश इसे इतना क्यों पसंद करते हैं। Hey, मुझे कुछ हो रहा है। वो एक जहरीला गाजर था। मैं खतरनाक खरगोश हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ, सिर्फ गाजर ही नहीं। खरगोश का हमला, चलो भागो। डरपोक, ये तो सिर्फ एक मास्क था। What? What? अजीब है, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? लगता है ये मेरे ढक्कन के नीचे से आ रहा है। ओ वाह, ये तो ताजे बेल्जियन वॉफल है। Okay. तुम्हें क्या मिला है? Wow. मेरे पास एक तरबूज है। और ये कितना बड़ा है। मुझे मिर्च मिली है और ये भी बहुत बड़ी है। वाह, फिर तुम ही शुरू करोगी? नहीं, मुझे नहीं खाना, कितनी तीखी होगी। अच्छा ठीक है, सब ठीक होगा, उतना काफी नहीं है, और खाओ। उफ। हाँ खाओ खाओ, शायद इतना काफी था। अरे नहीं, तुम्हें क्या हो गया? मेरा मुंह जल रहा है। कोई बचाओ, बस हमें मत जला देना। लगता है वो हमें नहीं जलाएगी। मैं खा सकती हूँ। मेरा वॉफल, ये सब क्लैरिसा की वजह से हुआ है। उसकी थोड़ी मदद तो करनी ही होगी। अपना तरबूज दो। क्या? नहीं, मेरा तरबूज। फ्यू, मैं बच गई। ये लो, अपना तरबूज खत्म कर लो। पर कुछ नहीं बचा है। ओ नहीं, यहाँ है। बहुत अच्छा, मैं ये खा सकती हूँ। उफ, सिर्फ मेरे पास ही कुछ नहीं है, ये सही नहीं है।
कई सारी और मजेदार चुनौतियाँ आप दारादा पर हमेशा पा सकते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें दोस्तों।